Hey family, welcome back to our vlog channel, Mr. and Mrs. Prashant. दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और तितली की खुशी देख सकते हैं आप vlog 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 means तितली की खुशी. तो गाइज पता है जब तक तितली सोई रहती है हम लोग ब्लॉग भी नहीं शुरू करते क्योंकि हेलो गाइज वेलकम बैक जब हम ये बोलते ना तो तितली का जो एक्सप्रेशन होता है ना वो खास होता है. और मैं पूजा भी नहीं करती हूँ क्योंकि इसका खुशी है ना जब घंटी बजाती हो. घंटी और शंख बजाती निशा तो ये भाई साहब एकदम बहुत खुश हो जाती है. तो हम लोग वेट करते हैं. सुबह तो मैं नहा लेती हूँ लेकिन ये सो जाती है तो मैं उठने का इसका इंतजार करती हूँ नहा धो के. देखिए पूजा बोली तो पीछे देख रही है मंदिर की तरफ. नमो नमो कर लो बेटा. नमो कीजिए. तो एक प्यारा सा हमारे लड्डू गोपाल इधर कान्हा जी को निशा रखी हुई है. दिखा देता हूँ आपको रूम में भी कान्हा जी और गणेश जी है. तो डेली निशा पूजा करती है रूम में भी और ऐसे पूजा घर नीचे भी है और रूम में भी हमारे. और तितली तो एकदम नमो नमो कर देती. जरा नमो नमो करके दिखा दो. नमो नमो वाओ 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 वाओ. और अभी ऐसे मुंह ढक के रोना शुरू की है ये बदमाश. हाँ ये सब मम्मी ऐसे सीखती रहती है. हाँ नहीं मम्मी से नहीं मम्मी टॉकिंग टॉम से सीखी है. थोड़ा थोड़ा गाना सुना दो. गाना बेटा सुना दो. तो जोर से आए इतना जोर से नहीं थोड़ा और जोर से अच्छे से. वाह 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 वाह. और थोड़ा सा टाटा भी कर दीजिए. टाटा भी कर दीजिए. पक पक. तो गाइस मुझे लगता है मैं पका 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 करती रहती है अपने मम्मी के पास गई. और अभी क्या है गाइस आज है संडे तो हम लोग मस्त सोए थे. बहुत सारा काम भी किया थक भी गया था मैं तो. कितने दिनों से लगा था कि आज दिन में सोया हूँ तो थोड़ा बहुत रिलैक्स मिला मुझे. बाकी आज संडे है तो पापा बहुत सारा पनीर लेकर आए हैं तो हम सोचे कि भाई साहब ये बनाए थोड़ा सा पनीर पकौड़ा. खाने का हमारी दिल इच्छा है हम लोग सभी खाएंगे. है ना बेटा आप भी खाओगे पनीर? तो यूं ही काट काट के खा जाओ. सच बताऊं तो मुझे मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ और ये भी है तो दोनों आदमी को पनीर का सब्जी पसंद है. बस पनीर चिली और वो भी मुझे इनके हाथ का ही बहुत मस्त लगता है. वंदना दीदी को भी बहुत मस्त लगता है ना सभी को मस्त लगता है इनके हाथ का क्योंकि ये बनाती बहुत ही मस्त है. कभी किसी दिन अगर बनाएंगे किस दिन क्या लगता है पनीर ज्यादा है तो कल भी पनीर बनेगा कल रात में बनेगा. नहीं बिंदी नहीं मारेंगे. मम्मी का अपने बिंदी निकाल रही है. एनीवे अभी चलते हैं किचन में और आप लोग बने रहे खूब सारा प्यार सपोर्ट करते रहिएगा गाइज. 1 लाख होने वाला है तो समझ सकते हैं तो कहीं ना कहीं आप सबका प्यार है सपोर्ट है जो अभी तक हमें मिलता आ रहा है. तो अंदर से वो खुशी तो है ही कि धीरे धीरे अचीव कर रहे हैं गोल को छोटे मोटे गोल को अचीव कर रहे हैं. और हमारे भाई सब बुगी का शायरी सभी को पसंद आया था सभी कह रहे थे इधर आ जाओ. आप तो डाल दिए थे ना ऐसे ही. हाँ बुगी का शायरी डाल दिया इधर सभी कह रहे थे कि बुगी बहुत अच्छा शायर बनेगा. थोड़ा और कोई अच्छा शायरी सुना दो. ठीक है गंदा सुनाए थे बता. हाँ नहीं बिल्कुल अच्छा शायरी सुना दो. बहुत मम्मा हाँ बता. पद्दी तेर चड्डी फटी ये गई सारी अच्छी नहीं थी यार. तो गाइस अभी किचन का नज़ारा देखिए. माँ पहुँच गई एकदम मस्त और इधर निशा का हेल्प करने के लिए है ना जी क्योंकि ये थोड़ा सा स्पाइसी बनता है तो निशा कहती है कि माँ आप ही डालिए इसमें मसाला बेसन का क्या क्या पड़ेगा है ना जी क्योंकि पापा थोड़ा स्पाइसी खाते हैं. स्पाइसी पापा क्या ये भी अब स्पाइसी खाती है. बंगाल के लोग थोड़ा मीठा खाते हैं लेकिन ये तो भाई साहब खाती है स्पेशल. तभी गाइस पनीर भी कट करना होगा जी. नहीं मैंने गाइस यहाँ पर फ्रेंच फ्राई बनाऊंगा तो मैंने क्या किया है थोड़ा सा आलू को बॉईल कर लिया यहाँ पे खाने के लिए है ना जी. अब बबिया का ऑर्डर नहीं है. क्या बबिया का क्या नहीं उसी में छान दी क्या. हाँ 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 तितली को भी एक आलू दे देते हैं खा लेगी वो बॉइल्ड हो चुका है. और आप बनाया जाए पनीर निकालिए. हाँ. क्या बोले फिंगर फ्राइज बना फ्रेंच फ्राइज फ्रेंच फिंगर मैं काटू क्या पकड़ो पकड़ो मैं काटता हूँ काटने में मजा ही आता है. हाँ, मुझे कट करना बहुत पसंद है. तो ये माँ से भी अपना हाथ लगाते हैं जो पनीर काटना बहुत अच्छा लगता है. कितने स्मूथली कटता है ना पनीर भाई मजा आ जाता है. थोड़ा पतला ही रखिएगा ज़्यादा मोटा मत कीजिएगा वरना अच्छा नहीं लगता है. ए उतना बड़ा नहीं देखो ना तो मैं क्या इसमें भी कट होगा ऐसा लग रहा है जैसे कारपेंटर बने हुए हैं. कारपेंटर अरे यार लंबा लंबा रखिए ना
लंबा ही रखिए, अच्छा लगेगा। लंबा लंबा रखो। हाँ हाँ वैसे वाला ही, लंबा एंड पतला, एकदम ज्यादा भी पतला नहीं, पता चले टूट जाएगा। बस सही है। मैं पहले, मेरा पनीर फेवरेट हुआ था, मैं कच्चा बहुत खाती थी। मैं कच्चा का भी पनीर मुझे पसंद है। और मैं फिर वहाँ पे देखी, अम्बाला में गई ना, वहाँ पे हम लोग बड़ारा में देखते थे ना, वो मिठाई लेने जाते थे तो बहुत कोई बैठ के पनीर खाता था मिठाई की दुकान में, कच्चा कच्चा। हाँ वो लोग वहाँ खाते हैं ऐसा। तो गाइस ये गया पहला पनीर, वाह वाह हमारे कुक भाई साहब। पनीर सब अलग अलग शेप में है, पता नहीं क्या होगा, मेरा एग्जाम लग रहा है कि निशाने अच्छा नहीं। नहीं जो पहले लंबा लंबा है वो वाला निकाल दो ना, हमको छोटा छोटा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं छोटा छोटा काटा पनीर। लेकिन पनीर पकौड़ा लंबा ही होता है। हाँ वो हटा दो। आज गाइस खाना है। तितली अपने दादी के साथ खेल रही है। माँ कैसा लग रहा है पनीर का पकौड़ा? बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। माँ का भी थोड़ा तबीयत सही नहीं है, इधर पापा ट्राई कर रहे हैं और फिर पापा से पूछेंगे कैसा लग रहा है, थोड़ा सा हम भी ट्राई कर लेते हैं। कैसे खुलेगा? है ना। कैसा लग रहा है पापा? बढ़िया है। चलिए जी आपको कैसा लग रहा है? सबको बहुत पसंद आया है। और ये मेरा फ्रेंच फ्राई निकला है भाई साहब, अभी और पनीर है तब तक आप डालिए, तब तक अपना पनीर फ्रेंच फ्राई थोड़ा ट्राई कर कैसा लग रहा है। वाओ ये पनीर से भी ज्यादा मजेदार लग रहा है। एक और कुक आ चुके हैं, देखिए यो भाई यार किचन में यार ये पागल हो जाएगा। ये देखिए बुगी को देखिए भाई साहब, बुगी भी अलग परेशान कर रहा है। तो आज कैसा लग रहा है आपको, आपके हेल्प के लिए इतने लोग हैं किचन में? मेरा दिमाग खराब ज्यादा करते हैं कि आप एक चलो ये तो आपसे अच्छे ही काटे हैं। ये देखिए भी पनीर काट रहे हैं, सभी सीख ही रहे हैं काटे काटे। तितली को देखिए, तितली क्या कर रही है इधर, तितली कर दो नाची नाची, खा रही है चॉकलेट। पापा इधर बैठ के खा रहे हैं। तो गाइस पकौड़े खाने के बाद अब बारी है मस्त चाय पीने की। और तितली को देखिए, तितली भी इधर इधर है, तितली हमारी इधर है तितली। लेकिन सही में आज मस्त बना था पकौड़ा, खा के मजा आ गया। पापा को भी अच्छा लगा। माँ तुमको अच्छा लगा खाना? पकौड़ा आज अच्छा लगा था। और तितली ने क्या कर लिया, तितली का हाथी का दिखा दो। तितली का हाथी का पैर फ्रैक्चर हो गया, लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल अभी, प्लास्टर होगा। दिखाओ जरा, ये देखिए क्या कर दिए, पांव तोड़ दिए तितली अपने हाथी का। तितली ये तुमने क्या किया बेटू? पेट में बहुत ही सारा हाथी के पैसा है। हाँ तितली उसमें बहुत सारा अपना पैसा रखी है। तो दो रूम में नीचे और अभी ऊपर भी रूम है, लेकिन नीचे के दोनों रूमों में तितली चाय पीने के लिए रो रही है। गाइस चाय का इसको आदत लग गया है, सबको चाय चटाते रहता है घर में इसको। छोटी दादी चाय का आदत है। बबी फलन किस दे द बिस्किट नहीं खाए, चाय पी, चाय पी। देखिएगा देखिएगा चाय कैसे पिए। ये 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 चाय पिएगी तू भट। तो यही है कि मजा आ गया आज का दिन, संडे जो था वो स्पेशल रहा। बाकी तितली थोड़ा परेशान करी, तो आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, खूब सारा प्यार सपोर्ट करते रहिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।